पहले अशद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर अशद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। जहांगीर तरीन साहब ने अशद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसमें इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गई। जब वो इमरान खान की बुनियादी टीम हिल गई, तो वो जो नए लोग थे वो तो फ्रेंकली उस आइडियाज़ के साथ अलाइन ही नहीं थे, और ना हैं, और ना ही शायद कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी भी नहीं है। ये इस झगड़े ने मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक विजन था, या जो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, वो हुई ही नहीं।